हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में चर्चा करेंगे गूगल ड्राइव में आपका जो फ़ोन नंबर है, मतलब कि कॉन्टैक्ट लिस्ट जो है मोबाइल में, उसे कैसे सेव करें। दोस्तों, गूगल ड्राइव में मान लीजिए अगर आपका फ़ोन फॉर्मेट हो जाता है, आपका फ़ोन खो जाता है, या फिर बहुत सारे इशू है, मतलब कि इसमें आपका मोबाइल ख़राब भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपका फ़ोन मेमोरी में पूरा सेव है और आपका फ़ोन ख़राब हो जाता है, तो आपका पूरा कॉन्टैक्ट है वो गया। दूसरा बात है, अगर आपका मान लीजिए कुछ बहुत ऐसा, मतलब कि कुछ कारण है, जैसे कि 2-3 कारण हो सकता है, फ़ोन आप खो जाना, मोबाइल ख़राब हो जाना, और भी जैसे इशू है, तो उसका बैकअप कैसे रखा जाए। तो बैकअप दो तरह से रख सकते हैं। सबसे पहला, जो पुराना ज़माने का था, एक डायरी ख़रीदो और उसमें टोटल लिख लो जितने भी आपका कॉन्टैक्ट, मतलब कि इम्पोर्टेंट है, ये आपका अस्थाई, आप कहीं भी घर में अपना रख दें बहुत अच्छा से, ये आपका कुछ नहीं होने वाला है, ठीक ना। उसके बाद मतलब पुराना मेथड है, या ऐसे नहीं है, 10 साल पहले से ये चल रहा था और अभी भी चलता है। बहुत सारे ऐसे जो होशियार लड़के लोग हैं, जो मतलब बहुत चालाक हैं, वो अभी भी इस तरह डायरी में लिख लिख के नंबर रखते हैं और अपना एक जगह अस्थाई अपना रख देते हैं, जहाँ अपना डॉक्यूमेंट कुछ रखते हैं तो वहाँ पर रख देते हैं। उससे क्या होता है कि वो कभी भी कुछ भी हो जाए, मतलब गूगल ड्राइव भी ख़त्म हो जाए, तो भी वो उसका रह जाएगा, वो एकदम फिक्स है। मैं मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूँ ये। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, अगर गूगल ड्राइव में तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपका कुछ होने वाला है, उसमें भी आपका सेव रहेगा, जितने भी आप डॉक्यूमेंट रखेंगे, आप जो भी फ़ोन नंबर रखेंगे, तो उससे बैकअप, सबसे पहले आपको बैकअप लेना होगा आपका जो भी कॉन्टैक्ट लिस्ट है पूरा। तो चलिए आपको मोबाइल स्क्रीन पर ले चलते हैं और वहाँ पर आपको बताते हैं कैसे आपको बैकअप लेना है और कैसे उसको अपलोडिंग करना है। तो दोस्तों, तो चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में घंटी का निशान दबा दीजिएगा। चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, अभी देख सकते हैं मैं अपना मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका हूं और आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कैसे करना है, क्या नहीं करना है। सबसे पहले मैं बताता चाहूँगा, जैसे कि आप प्ले स्टोर पर चल जाएं, और प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको यहाँ पे जैसे कॉन्टैक्ट ऐप को पहले जो आपका जो जितने भी फ़ोन नंबर लिस्ट हैं उसे बैकअप करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर चल जाएँ और यहाँ पर आपको सर्च करना है, लिख दें यहाँ पे कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट बैकअप। देखिए, जैसे ही मैंने बी लिख दिया यहाँ पे, तो कॉन्टैक्ट बैकअप का ये से पूरा लिखा हुआ आ रहा है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। और कॉन्टैक्ट बैकअप पर क्लिक करने के बाद देखिए बहुत सारे यहाँ पे ऐप आ जाता है यहाँ पे, देखिए तो जो जिसका रेटिंग अच्छा है वो ऐप इंस्टॉल कर लें। तो मैं कोई एक तो ऐप यहाँ पे इंस्टॉल कर लेता हूँ, जो छोटा ऐप है आपको दिखाने के लिए, तो जिसका रेटिंग अच्छा है उसी को हम बैकअप कर लेंगे। तो यहाँ से आप कोई भी ऐप को इंस्टॉल कर लें, ठीक ना। तो छोटा जो ऐप है उसे हम इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि माय बैकअप है, इसे क्लिक करते हैं और यहाँ से ऐसे इंस्टॉल पे क्लिक कर लेंगे। इंस्टॉल हो रहा है, हल्का टाइम लगेगा। तो ये इंस्टॉल हो रहा, सा हो रहा है अभी, ठीक ना। तो जैसे इंस्टॉल पूरा हो जाता है आगे बढ़ते हैं। तो इसे ओपन कर लेना है इस तरह, कॉन्टैक्ट में जो कोई भी इस तरह कोई भी ऐप जिसे यहाँ पे इंस्टॉल जो है उसे ओपन करेंगे इस तरह। और जैसे ही ओपन होता है तो आपको परमिशन मांगता है इसमें, तो आपको अलाउ कर देना है। तो टोटल कितना 360 कॉन्टैक्ट है, तो इसी तरह यहाँ पे बैकअप कर देंगे। यहाँ से सेटिंग देख सकते हैं कि सेटिंग में आपको क्या क्या है क्या नहीं है। उसके बाद यहाँ से इसे बैकअप जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए ये मेरा बैकअप हो रहा है, तो बहुत रफ्तार से ये काम करता है, देखिए। तो ये बैकअप हो गया, उसके बाद सेंड पे क्लिक कर देते हैं। तो देखिए, जैसे यहाँ सेंड पे क्लिक कर देंगे, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप गूगल ड्राइव का ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे। देखिए, जैसे सेंड पे क्लिक किए तो यहाँ पे इस तरह जैसे है, इस पर आपको क्लिक ओके कर देना है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे नीचे में देखिए गूगल ड्राइव आ रहा है, तो ये डायरेक्ट आपको गूगल ड्राइव में ये जाके सेव हो जाएगा बहुत आसान तरीके से। एक बार फिर से देख लें, मैं आपको फिर से बता देता हूँ।
देखिए एक बार बैक करते हैं इसे, ऐड ओपन हो रहा है तो ऐड को बंद करते हैं और फिर से हम देखिए इस तरह जो माइक एम सी बैकअप लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक, इस तरह आपको ओपन कर लेना है। और जैसे यहाँ पे बैकअप जो लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे परमिशन आएगा फिर दोबारा मांगने के लिए, इस तरह आपको क्लिक कर देना है, ऐसा पूरा बैकअप हो जाएगा। और बैकअप हो जाने के बाद ऐसा सेंड का ऑप्शन इसी पे, जिस पे आप बैकअप को ओके किए थे उसी पे सेंड पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे सेंड पर क्लिक करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे गूगल ड्राइव आ जाता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है तो ऑटोमेटिक गूगल ड्राइव में जाकर सेव हो जाता है। लेकिन हाँ, डाटा आपका ऑन होना चाहिए, डाटा को बंद नहीं रखें, डाटा ऑन रखें, और आपका बहुत आसान तरीके से ये गूगल ड्राइव में जाके सेव हो जा सकता है। और उसके बाद आप पीछे से भी आप डाउनलोड करके उसे इंस्टॉल कर सकते हैं, जितना ऑटोमेटिक आपका फ़ोन में आ जाएगा। तो दोस्तों छोटी सी वीडियो था, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में घंटे का निशान दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।